आश्रम में आईपीएस बेटे से लिपटकर रो पड़ी माँ, बोली, क्यों होटल में मुझे छोड़कर चला गया था तुम? नमस्कार। मध्य प्रदेश के उज्जैन से 14 किलोमीटर दूर स्थित सेवा धाम आश्रम में पिछले 2.5 महीने से रह रही तारा जोशी उस वक्त भावुक हो गई जब उनका आईपीएस बेटा फिर से उन्हें वापस लेने आया। आंखों के सामने अपने आईपीएस बेटे को देख माँ लिपटकर रोने लगी। ये देख पूरा आश्रम भावुक हो गया। माँ लिपटकर बेटे से रो रही थी लेकिन बेटा निशब्द था। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार आंसू पहुंचते हुए बेटा बोला कि कुछ मजबूरियां थी माँ, अब जिंदगी भर साथ रहूंगा। दरअसल 2.5 महीने पहले दिल्ली निवासी तारा जोशी अपने बेटे अविनाश के साथ उज्जैन दर्शन करने आई थी। वह यहाँ एक होटल में रुके। कुछ दिन रहने के बाद अविनाश ने उनसे कहा कि जरूरी काम आ गया है, इसलिए मुझे तत्काल जाना होगा। माँ ने हामी भर दी। अविनाश माँ के होटल में छोड़कर चला गया। तारा जोशी 1 सप्ताह होटल में रुकी लेकिन इस बाद पैसा खत्म हो गया तो होटल संचालक ने कलेक्टर शशांक मिश्रा को सूचना दी। कलेक्टर ने उन्हें वन स्टॉप सेंटर भिजवा दिया। इसके 1 सप्ताह सेवाधाम आश्रम के संस्थापक सुधीर भाई गोयल को इसकी जानकारी मिली। जिला प्रशासन के माध्यम से तो तारा देवी को अपने आश्रम में ले आए और मां की तरह सेवा की। उसके बाद सुधीर भाई, कांता देवी और बाल कल्याण श्रीमती झावुओं के जसवंत भंडारी ने तारा देवी के बेटे का पता और मोबाइल नंबर खोजा, उससे संपर्क किया तो उन्होंने काम को लेकर आ रही मजबूरियों बताकर कुछ महीने आने से समर्था जताई। इसके बाद सुधीर भाई उनसे लगातार संपर्क में रहे। आखिरकार 2.5 महीने बाद बेटा आया और माँ को साथ ले गया। तारा देवी ने बताया कि बेटे की शादी नहीं हुई है और वह निलंबित हो गया था, इसलिए परेशान था। क्या परेशानी थी ये नहीं बता रहा। मैंने संगीत में बीए किया है, मैं खुद का एल्बम बनाऊंगी। वही अविनाश जोशी ने कहा कि वह गुजरात कैंडर के 2004 के आईपीएस अफसर है। माँ ने बहुत अच्छी परवरिश की। जिंदगी में सब अपने हाथ में नहीं होता। माँ से बहुत प्यार करता हूँ लेकिन कुछ व्यक्तिगत मजबूरियों के चलते यहाँ छोड़ना पड़ा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।